हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं सोनू वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्वार्क एकेडमी पर। तो स्टूडेंट, आज मैं यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। आज मैं यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं, तो जिस चैप्टर का नाम क्या है आपका, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो दिस इज द सेकंड चैप्टर फॉर द क्लास 12 फिजिक्स का, मीन्स ये रहेगा हमारा सेकंड चैप्टर। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले चैप्टर वन के सभी लेक्चर्स में प्रोवाइड करा चुका हूं, वहां पर बताया था कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके अंदर हमारे दो चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि हम अपना कवर कर चुके हैं पूरा कंप्लीटली इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम मेनली दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, पहला पोटेंशियल, तो दूसरा क्या रहेगा आपका, कैपेसिटेंस रहेगा। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चार्जेस के द्वारा ही दिखाई गई दो अलग अलग फिनोमेनास होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में हमने जो फोर्स दिखाते थे, जो फील्ड दिखाते थे, वो हमने पढ़े अपना चैप्टर वन के अंदर। और अब जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो नेक्स्ट जो फिनोमेनास दिखाते हैं, दैट इज पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, वो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर टू के अंदर। तो चलो बच्चों, देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और हमेशा की तरह फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक की जो पूरी थ्योरी है, पूरा डेरिवेशन पार्ट है, वो मैं आप लोगों को यहां पर बोर्ड के ऊपर कराऊंगा। आप लोग जहां जहां आपको लगे, जो जो पॉइंट आपको नोट करने लायक लगे, वो सब आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहा करो। एंड जो भी आपको अगर डाउट आता है, तो आप लोग मुझसे अपना डाउट बाय कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी तरीके से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं अपना नंबर हमेशा डालता हूं, तो आप लोग वहां से मेरा नंबर पिक करके अपने डाउट क्लियर कराने के लिए मुझे कॉल, मैसेज या कुछ भी आप मेल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को जो मेन फोकस करूंगा, वो फोकस करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, ठीक है ना। फिर जो इसका जो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, सेकंड लेक्चर, वहां पर हम फोकस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर। तो आज फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही हमने करना है, और उसी के ऊपर जो बेस न्यूमेरिकल हमारी एनसीईआरटी में दिया है, उसको हम लोग करेंगे। बट फाइनली स्टार्ट करने से पहले एक मेरा आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चों, अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो प्लीज प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो के अंदर क्या कमी रह गई है या क्या किस तरीके से हम अपनी वीडियोस को और अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिए। एंड जो आपका जो नोटिफिकेशन बेल है, आप उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लोग, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन बेल अगर आपकी ऑन रहेगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सोनू वर्मा सर की कोई न्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर और हमें आपको देख लेनी चाहिए। तो फाइनली नाउ आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक, एंड हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, ये चीज मैं आप लोगों को सभी को बता रहा हूं बच्चों, ये टॉपिक आपने इसी के जैसा एक टॉपिक 11th क्लास ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ा था। वहां पर जो चैप्टर था हमारा ग्रेविटेशन, वहां पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सेम उसी तरीके से सेम ये टॉपिक है। वहां पर दो किसी मास ऑब्जेक्ट की बॉडी के लिए हमने पढ़ा था, यहाँ पर किसी दो चार्ज बॉडी के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट दोनों की डेरिवेशन सेम है, तो देखते हैं किस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। पर उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी होता क्या, ये हमें समझना होगा, ठीक है। तो देखो क्या रहता है, मैं एक बार डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर करा देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू, इट मींस अगर हमारे पास कोई चार्ज क्यू दिया है, हमें क्या निकालना है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर। और वो जो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, वो कहां पर कंसिडर करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन। मतलब कि हम किसी क्यू चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो कहां पर निकलेगी, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाके अंदर हम निकाल पाएंगे, ठीक है ना। किसी दूसरे चार्ज कॉन्फिगरेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाके हम निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या रहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन, वो क्या रहता है, सिंपली वर्क डन के इक्वल रहेगा। और वर्क डन कौन सा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, इट मींस हम जो वर्क डन करेंगे उस चार्ज पार्टिकल को जिसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उस चार्ज पार्टिकल को मूव करा के किसी गिवन चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाकर पुट करना होगा। तो उसको उस पॉइंट पर पुट करने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन किसके इक्वल कहलाएगा आपका,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कहलाएगा, ठीक है ना। बट इसमें बच्चों आपको दो तीन चीजें छोटी छोटी ध्यान रखनी है, वो क्या क्या चीजें हैं कि जब हम उस बॉडी को मूव कराएंगे, मीन्स कहीं बाहर से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए आपने जो फोर्स लगाना होगा वो फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। साथ में जब आप उस बॉडी को अनादर चार्ज बॉडी को जो बाहर जो चार्ज बॉडी है उसको जब आप लेकर आओगे तो कैसे लेकर आना है आप लोगों ने, विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आना है। देखो बच्चों यहां से सब चीजें समझ पानी थोड़ी सी कठिनाई भरी लग रही होंगी आपको, बट मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, इसका डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, वहां से सब चीजें हमें वन बाई वन क्लियर होने लगेंगी। तो देखो क्या चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। तो देखो किस तरीके से करते हैं हम, इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन के अंदर ही हम इसकी डेफिनेशन है उसको समझेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो समझेंगे, जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है वो सारे मैं आपको इसकी इस टॉपिक की डेरिवेशन के अंदर क्लियर करा दूंगा आज के ही इस लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो देखो करना क्या, सपोज करो मैं यहां पर क्या कंसिडर करके चलता हूं कि मैंने मान लिया कि यहां पर हमारे पास में क्या रखा है, कोई Q1 चार्ज यहां पर रखा हुआ है, दिस इज द पॉजिटिव Q1 चार्ज, ठीक है। और मुझे इस Q1 चार्ज का सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला होगा, हमने मान लिया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से यहां तक फैला हुआ है, ठीक है। और मैं यहां पर क्या कंसिडर कर रहा हूं कि दूसरा चार्ज मैं सपोज करो ये कोई मैं चार्ज कंसिडर कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव चार्ज, ये कोई Q2 चार्ज हमने कंसिडर करा जो कहां पर रखा हुआ है बच्चों, सपोज करो एट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इस चार्ज को उठाकर सपोज करो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आना है, और कहां तक लेकर आना है, सपोज करो मुझे इस पी पॉइंट तक लेकर आना है, तो इस पी पॉइंट तक लाने के लिए मींस इस क्यू टू चार्ज को यहां से उठाकर इस पी पॉइंट तक लाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी, ठीक है, समझ आया। इट मींस इस चार्ज पार्टिकल क्यू टू को इन्फिनिटी से यहां तक पी तक लाने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन क्या कहलाएगा, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से रहेगा ये सारा प्रोग्राम, आप लोग वन बाय वन यहां पर समझिए। सपोज करो जो पॉइंट पी हमने माना है, ये पॉइंट हमने मान लिया कि जो हमारा मेन चार्ज है Q1, इस मेन चार्ज से कितना डिस्टेंस दूरी पर है, r डिस्टेंस दूरी पर है, ठीक है ना। हमें करना क्या है, हमें इस चार्ज को मूव कराना है, और कहां तक लेकर आना है बच्चों, हमें इस पी पॉइंट तक लेकर आना है, ठीक है ना। अब देखो इस चार्ज को हम जब यहां तक मूव करा के लेकर आएंगे तो हमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे, क्योंकि किसी एक्सटर्नल फोर्स से ही हमने इसको इस तरीके से ऐसे आगे की तरफ पुश करके ले जाना होगा टुवर्ड द चार्ज Q1, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या फिनोमेना अकर होगा वो आपने समझना है मेनली। सपोज करो यहां से लेकर यहां तक इस पॉइंट तक लाने वाला, जहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है पहले चार्ज का, तो यहां से लेकर इस वाले पॉइंट तक इस चार्ज को मूव कराने के लिए हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है। बट जैसे ही ये वाला चार्ज इस Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर जाता है, तो ये Q1 चार्ज के पॉजिटिव, Q2 चार्ज भी है पॉजिटिव, तो ये Q1 चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अब ये रिपेल करेगा राइट साइड में, तो हमें कहां पर लेकर आना है, पार्टिकल को लेफ्ट साइड में लेकर आना है, तो हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो लेफ्ट साइड के अंदर हम लगाएंगे ताकि चार्ज रिपेल होकर फिर से बाहर ना चला जाए, क्योंकि हमें फाइनली जो हमारा टास्क है कि हमें इस Q2 चार्ज को P पॉइंट तक लेकर आना है, समझ आया आपको। तो देखो किस तरीके से रहेगा कि सपोज करो अभी मैं कोई जनरल पॉइंट अपना कंसिडर कर लेता हूं कि मैंने मान लिया कि जो Q2 चार्ज है वो यहां पर आ चुका है, इस चार्ज पार्टिकल मतलब इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, x डिस्टेंस दूरी, ठीक है ना। इट मींस किसी पर्टिकुलर x डिस्टेंस दूरी तक हम इसको लेकर आ गए हैं। अब यहां पर जब हम इसको x डिस्टेंस दूरी पर लेकर आ गए तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो किस तरीके से बनेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, आप लोग यहां देखिए कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, तो इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड द एफ ई, एफ ई मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, ठीक है। बट हमें क्या करना है, इस पार्टिकल को पॉइंट पी तक लेकर आना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स इधर लगाना होगा, इस फोर्स का नाम क्या रहेगा, दैट इज द एफ एक्सटर्नल फोर्स हम इसको कहेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां देखो बच्चों, जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है तो वहां पर हमने एक चीज का ध्यान रखना होता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल को आपके आपने मूव करा के पॉइंट पी तक लेकर आना है, तो उसको कैसे लेकर आना है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। इट मींस इसके ऊपर कोई नेट एक्सेलरेशन ना लग रहा हो, राइट साइड में कोई एक्सेलरेशन ना हो, ना ही कोई राइट लेफ्ट साइड में, तो इट मींस नेट फोर्स जीरो होगा, तो उस टाइम पर हमारा नेट एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसी वजह से ये जो एफ एक्सटर्नल जो रहता है हमारा, ये किसके इक्वल रहेगा बच्चों आपका, इट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो ये किसके इक्वल लेके चलना होता है, मीन्स हमने कितना फोर्स लगाना है कि सपोज करो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, तो हमने एक्सटर्नली भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 50 न्यूटन लगाना पड़ेगा टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्लियर हुआ? तो यहां पर एफ एक्सटर्नल कितना लगाना है बच्चों, जितना हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उतना ही इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स हमें लगाना होता है ताकि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या रहे आपका जीरो। देखो सीधी सी बात है, 50 न्यूटन इधर हुआ 50 न्यूटन इधर हुआ, नेट फोर्स कितना होगा जीरो, नेट फोर्स जीरो तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ? अब देखो मैं डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू, मतलब कि किसी चार्ज क्यू की हमने पोटेंशियल जी निकाली है। तो यहाँ पर क्यू कौन सा चार्ज है बच्चों आपका, ये वाला Q2 चार्ज मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। और कहां पे निकाली है, ऑफ ए चार्ज एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट कौन सा आपका पी पॉइंट, और ये पी पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन, इट मींस जो पॉइंट पी है कहां पर लाई कर रहा है, इस Q1 चार्ज के फील्ड में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना होता है, इज द वर्क डन, मींस सिंपली हमें वर्क डन करना होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से हमें वर्क डन करना होगा, और कितना करना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट मीन जितना इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा उतना ही हमें एक्शन फोर्स लगाना होगा, ठीक है। द चार्ज क्यू मीन्स चार्ज Q2 को कहां से लेकर कहां तक मूव कराना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट P तक लाने में, और कैसे लेकर आना है बच्चों, हमने विदाउट एक्सीलरेशन लेकर आना होता है इसको। तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि क्या करना होता है और क्या एक्चुअल मीनिंग होता है पोटेंशियल एनर्जी का। सिंपली वर्क डन होता है कि अपने इन्फिनिटी से उठाकर इस पी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करा, वो वर्क डन हमारे क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो दो पॉइंट चार्ज के लिए निकालना था, पहला पॉइंट चार्ज हमने Q1 माना, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 माना जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो अब इसको इधर से उठाकर पी पॉइंट तक लाना है, और पी पॉइंट कहां पर है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ऑफ द चार्ज Q1, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ यहां तक सारा काम। अब यहां पर देखो हम इसका डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी डेरिवेशन करते हैं क्लास 11 के अंदर, क्लास 12 के अंदर, हम हमेशा इस डेरिवेशन को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम यहां पर कंसीडर करेंगे। पहले उस स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, उसके बाद में उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन फाइंड आउट करा जाता है। देखो किस तरीके से होता है ये काम, कि सपोज करो ये चार्ज पार्टिकल अभी यहां पर है, कितनी डिस्टेंस दूरी पर है, सपोज करो बच्चों ये हमारा एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, मींस Q1 चार्जेस की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। तो मैंने मान ली कि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराने के लिए, सपोज करो मैं इसको कितना डिस्प्लेस करा रहा हूं, dx डिस्प्लेस करा रहा हूं, ये चार्ज पार्टिकल कहां पर आ गया, सपोज करो इस वाले पॉइंट पर आ चुका है, मीन्स इतना सा डिस्प्लेस कराने के लिए हमने, मीन्स इसको dx डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल ऑल्सो स्मॉल वर्क डन, इट विल बी dW, ठीक है। तो यहां देखो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये मैंने पैरामीटर यहां पर लिखे हैं, पैरामीटर में आपको क्लियर करा देता हूं, क्योंकि इसमें आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होती है कि सर पैरामीटर्स का मीनिंग क्या होता है, वहीं पर आप अपने मार्क्स कट करा लेते हैं टीचर से। तो कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q1, हमने पॉइंट चार्ज Q1 माना जो कहां पर रखा है, इट्स प्लेस्ड इन एयर, जो एयर में रखा हुआ है, एंड अनदर पॉइंट चार्ज Q2, दूसरा चार्ज कौन सा है Q2, इज मूव्ड बाई एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम किससे मूव करा रहे हैं, किस एक्सटर्नल फोर्स से मूव करा रहे हैं, ठीक है। और कहां से कहां तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट पी, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक हमने मूव कराना है, जो पॉइंट पी कहां पर है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1, इस Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। और जो हमने जो उसको मूव कराना है, वो कैसे मूव कराना है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लग रहा है, इसके अपोजिटली इसको मूव करा के लेके जाना है, ठीक है। और कैसे ले जाना है, विदाउट एक्सीलरेशन। तो आई थिंक अब उम्मीद करता हूं कि सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं थोरली, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से रहेगा सारा काम, लेट dW इज द वर्क डन, dW क्या मान लिया बच्चों हम लोगों ने, इट इज द वर्क डन इन मूविंग द डिस्टेंस dx, और dx किसके थ्रू बच्चों, बाई चार्ज Q2, ठीक है। तो देखो पहले dW निकालते हैं, तो dW क्या रहेगा, सो dW की जो वैल्यू रहेगी बच्चों, अब देखो यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, वर्क डन का फॉर्मूला हम सिंपली क्या लेकर चलते हैं, W इक्वल टू इट इज द डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, dW इक्वल टू एफ इंटू dx, इस तरीके से लिखा जाता है डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। अब यहां देखो तो dW इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों हमारा, इट विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज dx, और इन दोनों का क्या रहेगा, डॉट प्रोडक्ट रहेगा, और ये कौन सा फोर्स रहेगा हमारा,
एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, ठीक है ना। अब पहले हम इसका डॉट प्रोडक्ट सोल्व कर लेते हैं, तो एफ एक्सटर्नल इनटू डीएक्स। अब देखो बच्चों, हमारा एक्सटर्नल फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट जो डीएक्स हमने कंसिडर करा यहां से लेकर यहां तक का, ये भी किधर है, लेफ्ट साइड में, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो एंगल क्या रहेगा, डीएक्स और एफ एफ एक्सटर्नल के बीच में जीरो रहेगा, तो जिस केस हम क्या लिखेंगे, इट विल बी कोस जीरो, और कोस जीरो कितना होता है बच्चों, वन होता है, तो डी डब्ल्यू सिंपली कितना आ गया हमारे पास में, डी डब्ल्यू इक्वल्स आ जाता है एफ एक्सटर्नल इंटू डीएक्स। अब देखो यहां के बाद में, अब हमारे पास क्या है कि बिकॉज एफ एक्सटर्नल मीन्स ये हमारे पास वर्किंग इक्वेशन बन चुकी है, बिकॉज की जो हमारा एफ एक्सटर्नल है वो किसकी इक्वल है, माइनस ऑफ एफ ई, एफ ई कौन सा फोर्स बच्चों, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स होगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, माइनस के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एंड इट विल बी एक्स स्क्वायर, ये रहेगा हमारे पास है, क्योंकि हमने इन दोनों पॉइंट के बीच में लेना है, इस पॉइंट को बाद में कंसिडर करते हैं, तो पहले हम इन दोनों पॉइंट के बीच में लेके चलते हैं, जो कि हमारा एक्जिस्टेंस दूरी पर हमने यहां पर मानी अपनी ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब देखो जब ये वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करते हैं, इन दोनों से हमारी जो मेन इक्वेशन बनेगी वो क्या इक्वेशन बनेगी, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एक्सएल की जगह क्या रिप्लेस होगा बच्चों, मीन्स हम रिप्लेस करेंगे माइनस के क्यू वन क्यू टू, तो दिट विल बी माइनस के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में डी एक्स, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। अब देखो बच्चों ये जो इक्वेशन है हमारी, दिस इक्वेशन इज इन द डिफरेंशियल फॉर्म। अब डिफरेंशियल फॉर्म मींस डी डब्ल्यू की फॉर्म है, हमें क्या निकालना है, कंप्लीट फॉर्म में निकालना, मींस कंप्लीट वर्क डन निकालना है, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के साथ साथ जो हमारी इंटीग्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है हमारा, दैट इज डीएक्स हमारे पास यह वेरिएबल है, तो इसकी लिमिट्स हम कंसिडर करेंगे, उसके बाद में लिमिट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन को सोल्व करा जाएगा। देखो किस तरीके से, यहां पर जो हमारे पास टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इस फैक्टर को दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एंड साथ में इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, ठीक है ना। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे यहां पर वेरिएबल क्या है बच्चों, डीएक्स मीन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कहां से लेकर कहां तक वेरी कर रहा है, मीन्स इनिशियल लिमिट क्या है उसकी, इन्फिनिटी, और फाइनली हमें कहां पर लेकर आना है, पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितनी है आपकी आर, तो इस वजह से इसकी जो लिमिट हम रखेंगे यहां पर, दैट इज इन्फिनिटी टू आर, इसकी लिमिट रखी जाएगी, ठीक है। अब देखो किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन रहेगा सिंपली इट विल बी डब्ल्यू, डब्ल्यू आ जाएगा, एंड इसके बाद में जो माइनस के क्यू वन क्यू टू, ये सारा टर्म क्या बच्चों, कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि के कॉन्स्टेंट होता है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो वो एक कॉन्स्टेंट, क्यू टू भी क्या है, वो भी एक कॉन्स्टेंट है, तो क्या बचा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, एंड यहां पर क्या आ गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स, ये बना हमारे पास में मेन वर्किंग फॉर्मूला, जो कि हमने सोल्व करना होगा अपना आगे, ठीक है। आप देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, आप लोग इधर देख लीजिए, ठीक है। तो W इक्वल्स टू मीन्स क्या है, K Q1 Q2, एंड यहां पर जो बचा हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर माइनस टू डॉट डीएक्स, लिमिट्स आर इनफाइनाइट टू आर, ये हमारी इसकी लिमिट्स होगी, एंड इसके बाद में अब बच्चों देखो यहां पर हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा हमारा इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन डॉट डीएक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, और क्या फॉर्मूला होता है, एक्स टू पावर एन प्लस वन और अपॉन में एन प्लस वन, ये फॉर्मूला हम लोग यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, डब्ल्यू इक्वल्स टू मीन्स ये टर्म हमारा सेम ऐसे कैसी कॉपी पेस्ट होगा क्यू वन क्यू टू, और यहां पर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू पावर माइनस टू प्लस वन और अपॉन माइनस टू प्लस वन, और लिमिट्स क्या है बच्चों आपकी, इन्फिनिटी टू r इसकी लिमिट है, ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद में w इक्वल्स टू माइनस के क्यू वन क्यू टू, और यहां से कितना आ गया, x टू पावर माइनस वन और अपॉन माइनस वन, और लिमिट्स कितनी हो गई, इन्फिनिट टू r, इसकी लिमिट रही। उसके बाद में W इक्वल्स टू माइनस के क्यू वन क्यू टू, और यहां पर क्या रहेगा, माइनस साइन ऊपर जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रहता, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स टू पावर माइनस वन इन्फिनिटी टू आर, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के क्यू वन क्यू टू, एंड इस माइनस साइन को अगर मैं बाहर निकाल लूं यहां पर, ये तो क्या बना, ये वाला नेगेटिव, वाला नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, और एक्स टू पावर माइनस वन, और x टू पावर माइनस वन का मीनिंग क्या होता है बच्चों आप लोगों का, दैट इज वन अपॉन x, तो जो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर अप्लाई करेंगे, तो w इक्वल्स टू कितना रहा, k q1 q2 मींस पॉजिटिव बन चुका है यहां पर, पता है क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव बाहर है, तो पॉजिटिव बन गया इधर, तो x टू पावर माइनस वन का मीनिंग क्या हो गया, दैट इज वन अपॉन x, एंड लिमिट्स आर इनफाइनाइट टू आर, एंड इट विल बी k q1 q2, और यहां पर अब लिमिट पुट करते हैं, वन अपॉन
मीन्स अपर लिमिट पहले पुट करी जाती है फिर माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है आर माइनस लोअर लिमिट दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट तो दिस टर्म विल बी जीरो, ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये वन बाई आर इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या फॉर्मूला आ गया के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर। तो दिस इज द वर्क डन, और जैसा कि आपको पता है कि ये जो वर्क डन होता है बच्चों यही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, जिसको हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या फॉर्मूला आ रहा है के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर, तो के की जो वैल्यू होती है वो क्या वैल्यू होती है दैट इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों, क्योंकि हमने पूरा केस कहां पर कंसिडर करा एयर के लिए, तो इस वजह से हम लोग एप्सिलॉन नॉट लेके चल रहे हैं यहां पर, और इंटू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर। तो बच्चों ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया फॉर द वर्क डन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस विच आर प्लेसिंग एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, जो कि कितने डिस्टेंस पर रखे हुए आर डिस्टेंस पर रखे हुए। तो ये था बच्चों हमारा फॉर्मूला मीन्स डेरिवेशन जो हमने अपना फिनिश कर लिया। तो याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है किसी एक्सेलेंट चार्ज को इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल जी निकालने वाले उस पॉइंट तक लाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन हमारे क्या कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या था मीनिंग और क्या इसका डेरिवेशन है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में दो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो हम स्टार्ट करते हैं, और इसके और साथ में ही इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं करा देता हूं जो कि आपके एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। चलो बच्चों फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है ना। देखो जैसे सबसे पहला जो अभी पॉइंट है वो क्या है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट मींस जो हमने अभी डायरेक्शन करा है फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू पॉइंट चार्जेस के, तो इस बिहाफ पर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं वो, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहां से क्या कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होते हैं दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। देखो किस तरीके से, अगर कंजर्वेटिव है तो कुछ पॉइंट्स का हमने ध्यान रखना है, और एक्चुअली में ये जो हमारा कंजर्वेटिव नेचर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का उसको यहां पर इस चैप्टर में देने का जो मेन पर्पज है वो ये पर्पज है, क्योंकि यहां पर जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आना पड़ता है। तो बेसिकली अब हम जो किसी अनादर चार्ज पार्टिकल को, जैसा कि हमने देखा था कि इन्फिनिटी पर जो चार्ज पार्टिकल है उसको मूव करा के हमें पॉइंट पी पर लेकर आना है। तो जब पॉइंट पी पर लेकर आते हैं तो इट मीन जो वर्क डन हमें करना पड़ता है उसको वर्क डन करने के लिए, इट मीन अगर सपोज करो हमने ए से बी पर जाना है तो ए से बी पर जाने के काफी सारे रास्ते हो सकते हैं। सपोज करो मैं यहां पर समझा देता हूं आप लोगों को कि अगर मैं यहां पर कंसिडर करता हूं कि ये दो पॉइंट चार्जेस है, दो पॉइंट्स है मेरे पास में ए और बी, मुझे बी से ए पर जाना है तो बी से ए पर जाने के काफी सारे रास्ते हो सकते हैं। एक ये रास्ता हो सकता है, एक ये रास्ता हो सकता है, एक ये रास्ता हो सकता है। मीन्स वी कैन ड्रॉ द मल्टीपल नंबर ऑफ पाथ की मीन्स जिस वजह से मतलब जिसकी हेल्प से हम बी से ए पर जा सकते हैं। तो हम यहां पर मल्टीपल नंबर ऑफ पाथ हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं बी से ए पर जाने के लिए। पर इसमें एक चीज आपने ध्यान देना है, वो क्या चीज है कि जो हमारा बी टू ए जाने में हम जो वर्क डन करेंगे, अगर मीन्स यहां पर हमारा फोर्स कैसा फोर्स हमारा इन्वॉल्व हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच में यहां से लेकर यहां तक जाने में चाहे आप कोई सा भी रास्ता पिक करो, बट आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो आपका जो वर्क डन है, इट मींस वर्क डन ही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या रहेगी, आपकी फिक्स रहेगी चाहे आप कोई सा भी रास्ता चूज करो, ठीक है ना। अब देखो, अब हमने मूव जब करना था बी टू ए तो इट मीन हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, और वो फोर्स हमने कितना लगाना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल लगाना होता है। तो इट मीन हम ये कह सकते हैं यहां पर कि जो हमारा फोर्स जो लग रहा है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगता है यहां पर, और अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स अगर वो कंजर्वेटिव ना हो तो हर किसी रास्ते में अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा, और जब अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा तो हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। बट जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा जाता तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है ना। तो देखो यहां पर एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू करा हुआ बिटवीन द टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में
इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो, इट मीन्स वो पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगा। मीन्स सपोज करो डब्ल्यू फ्रॉम बी टू ए, मैं डिफाइन कर रहा हूं कि बी टू ए सपोज करो कितना 50 जूल वर्क आप करते हो, तो आप कोई सा भी रास्ता चूज करोगे 50 जूल वर्क ही आएगा हमेशा इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है ना। तो पाथ फॉलोड बिटवीन द टू पॉइंट राइदर इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इनिशियल और फाइनल पोजिशन आपकी फिक्स है तो हर बार यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, आपका वर्क डन होता है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है ना। तो जो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज थ्रू ए क्लोज पाथ, इट मींस अगर हमारे पास कोई क्लोज पाथ दिया हुआ है तो उसके अबाउट अगर हमें वर्क डन निकालना है तो क्या होगा, जीरो रहेगा। सिंपल सी बात है, सपोज करो कोई हमारा क्लोज पाथ, हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं घूम फिर के यहीं पर आ जाते हैं, तो इट मींस हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कितना रहेगा, आपका जीरो रहेगा। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से जो हमारा वर्क डन रहेगा वो भी क्या रहेगा, आपका जीरो रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को, इट मींस द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज थ्रू ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द डिस्प्ले ड्यूरिंग द सर्कुलर पाथ, सपोज कर सर्कुलर पाथ है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं फाइनली यहीं पर ही आके रुक गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से हमारा जो क्या कहते हैं वर्क डन रहेगा वो भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो ही रहेगा। ये दोनों पॉइंट्स हम आगे चल के चैप्टर के अंदर यूज करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, सिर्फ पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था, सिर्फ मतलब किसी क्लोज पाथ के लिए हमारा जो नेट वर्क डन रहेगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आपकी जीरो रहेगी। तो बच्चों क्लियर हुए दोनों पॉइंट्स। अब देखो यहां पर जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आज के ही लेक्चर का, दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, इट मींस हमारे पास में क्या दिए होंगे, एन पॉइंट चार्जेस दिए होंगे, उन एन पॉइंट चार्जेस की वजह से हमने नेट पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है सिस्टम की कितनी होगी। देखो किस तरीके से, सपोज करो जैसे हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल करा था बिल्कुल सेम उसी के ऊपर डिपेंडेड है ये वाला कॉन्सेप्ट भी, कि अगर सपोज करो यहां पर हमने क्या मान लिया, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, और यहां पर मैं अगर कुछ नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पुट करता हूं, सपोज करो पहले मैं पुट करता हूं क्यू नॉट, फिर इसके सामने क्यू वन मैं लेकर आता हूं, फिर मैं क्यू टू को लेकर आता हूं, और ऐसे इस तरीके से मैं यहां पर एन नंबर ऑफ चार्जेस पुट कर देता हूं। तो अब इस पूरे सिस्टम का जब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो पहले कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का निकालेंगे, सपोज करो इसको वन कह रहा हूं फिर इन दोनों का निकालेंगे, इसको टू कह रहा हूं फिर इन दोनों के बीच का निकालेंगे, इसको थ्री कह रहा हूं फिर क्या करेंगे हम लोग, इसके इन दोनों के बीच का निकालेंगे, सपोज करो इसको मैं फोर कह रहा हूं, फिर इन दोनों के बीच का निकालेंगे, सपोज करो इसको फिफ्थ कह रहा हूं, और फिर इन दोनों के बीच का निकालेंगे, इसको मैं सिक्स कह रहा हूं। तो यहां पर जो हमारा नेट वर्क डन रहेगा, नेट वर्क डन या फिर जो हमारा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, इट मींस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इट मींस पूरा जितना भी आपका नेट कॉम्बिनेशन टोटल वर्क डन शो करेगा वो टोटल आपने ऐड करना रहेगा फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द नेट पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहां से इस चीज को मैं और भी ज्यादा क्लैरिफाई तरीके से समझा सकता हूं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू, क्योंकि देखो इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल ही बनता है, थ्योरी यहां से आने के चांसेस बहुत ही रेयर चांस है, मेरे ख्याल से आज तक कभी पूछी नहीं गई है कि एन सिस्टम चार्जेस की वजह से आपने डायरेक्शन करनी है, आता है तो इसका न्यूमेरिकल आता है, तो हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, इस टॉपिक के ऊपर। तो देखो जो न्यूमेरिकल मैंने उठाया यहां पर, ये न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी का है, एग्जांपल नंबर 2.4 है पेज नंबर 63 पर, तो आप लोग देख लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, फोर चार्जेस, इट मीन चार चार्जेस हैं हमारे पास में, आर अरेंज्ड, उनको अरेंज करा गया एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स पे अरेंज करा हुआ है एबीसीडी, स्क्वायर क्या है आपका एबीसीडी, और उसकी साइड क्या है हमारे पास में स्मॉल डी साइड है स्क्वायर की, एस ऑन इन द फिगर, फिगर ये बनाया हुआ है, अभी मैंने फिगर इनकम्प्लीट बनाया है, मैं इसको कंप्लीट करता हूं अभी, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। सो फाइंड द वर्क डन और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इट मींस वर्क डन निकालना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, रिक्वायर टू पुट टूगेदर दिस अरेंजमेंट, किस अरेंजमेंट को पुट करने में हमें टोटल कितना पोटेंशियल एनर्जी लगी होगी या फिर कितना वर्क डन हमें करना पड़ा होगा। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम इसको, सपोज करो मैं इस वाले पॉइंट को ए मान लेता हूं, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये वाला पॉइंट डी हो गया, ठीक है। अब हमने यहां पर इस पूरे मतलब इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे वन बाय वन चार्जेस पुट करने हैं,
और उन चार्जेस के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, फाइनली अपना नेट पोटेंशियल जी निकालनी है सिस्टम की किस तरीके से रहेगी हमारी। तो देखो सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने यह कहा हुआ है कि जो आपने ए पॉइंट पे जो चार्ज पुट करना है दैट विल बी प्लस क्यू चार्ज पुट करना है कि सपोज करो मैं यहां पर जो चार्ज पुट कर रहा हूं इट विल बी प्लस क्यू चार्ज में पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां देखो बच्चों सबसे पहले अब मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल करते टाइम पर। वो क्या रहता है कि सपोज करो आप किसी मैं इसी क्यू चार्ज को लेकर चलता हूं, मैं इस प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिट से लेकर आ रहा हूं, यहां पर मैं पुट करता हूं, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, मुझे कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता पहले चार्ज को लाने में। क्यों? क्योंकि हमें वर्क डन वहां पर करना पड़ता है जब सामने से कोई रिपल्सन फोर्स हमारे चार्ज को मिल रहा हो या फिर कोई अपोजिंग फैक्टर हमारे सामने हो। सपोज करो मैं इसको इस मार्कर को ऐसे उठा रहा हूं, दैट मींस वी आर डिफाइनिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन हम डिफाइन कर सकते हैं इसको ऊपर उठाने में। क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स लगा रही होती है नीचे, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसको उठा रहे हैं। बट अगर सपोज करो ग्रेविटी ना हो तो हमें इसको उठाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो क्लियर हुआ कि हमें वर्क डन कहां पर करना पड़ता है कि जहां पर कोई अपोजिंग फैक्टर हमारे सामने हो। बट यहां पर तो अभी और कोई चार्ज है ही नहीं, तो कौन रिपेल करेगा इसे? तो इट मींस फर्स्ट चार्ज को लाने में हमेशा हम वर्क डन की वैल्यू क्या लेंगे? जीरो लेंगे। तो यहां से क्लियर हुआ आप लोगों को रीजन मैंने बता दी क्योंकि कोई दूसरा रिपल्सिव फोर्स यहां पर नहीं है, इससे पहले चार्ज को लाने वर्क डन कितना करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ए इट विल बी जीरो, ठीक है। फिर हम सेकेंड क्या काम करते हैं, दूसरा चार्ज लेकर आते हैं। अब क्या बोला हुआ कि जो सेकेंड चार्ज है इट विल बी माइनस क्यू, मीन्स माइनस क्यू चार्ज आपने लेकर आना है, उसको यहां से यहां पर पुट करना है बी पॉइंट पर। तो सपोज करो मैं यहां पर माइनस क्यू चार्ज में पुट करता हूं। अब जब मैं इस क्यू चार्ज को पुट करूंगा तो अब इसके सामने एक रिपल्सिंग मीन्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करने के लिए एक ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल यहां पर मौजूद है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब अट्रैक्ट करे या रिपेल करे हमें उस चीज से मतलब नहीं, हमें क्या देखना होता है कि हमारे सामने एक अपोजिंग फैक्टर हो, मीन्स अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों ही अपोजिंग फैक्टर के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब इसके बाद में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों आपकी, ये क्या स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी? डी रहेगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये डी डिस्टेंस रहेगी दोनों के बीच में। तो अब मैं यहां पर निकालता हूं वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज एट पॉइंट बी, तो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और किस किस के बीच की? ए और बी के बीच की। ए और बी में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। तो देखो कितने के इक्वल रहेगा, इट विल बी फॉर्मूला क्या होता था बच्चों हमारा, फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला था हमारे पास में के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। तो इस फॉर्मूले का यूज हम यहां पर करते हैं। तो यहां देखो के इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू वन कितना है हमारे पास में, दैट इज पॉजिटिव क्यू, दूसरा क्या है माइनस क्यू, एंड डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, दैट इज स्मॉल डी। तो क्या फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट बी के लिए माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या लाना है, सी पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल को लेकर आना है। तो सपोज करो अब जो सी पर लेकर आना है दैट विल बी ए प्लस चार्ज, वो प्लस क्यू लेकर आना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो प्लस क्यू चार्ज को मैं उठाकर यहां से यहां पर पुट करता हूं। तो जब मैं प्लस क्यू चार्ज को यहां से यहां पर पुट करूंगा तो इट विल बी प्लस क्यू। तो ये जो हमारा फर्स्ट चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगेन मीन्स यहां पर फोर्सेज हमारे सामने, कहीं से अट्रैक्ट हो रहा है कहीं से रिपेल हो रहा है, तो हमें दोनों ही टाइप के फोर्सेज को कंसिडर करके हमारा नेटवर्क डन निकाला जाएगा। देखो किस तरीके से रहेगा, वर्क डन फॉर सी निकालते हैं, ठीक है ना। तो वर्क डन फॉर सी पहले क्या रहेगा, पहले हम वर्क डन निकालते हैं बी और सी के बीच का, फिर वर्क डन निकालेंगे ए और सी के लिए, ठीक है ना। या फिर आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम किस किस के बीच में, बी और सी के बीच में, फिर निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में, ठीक है ना। तो जब हम बी और सी को कंसिडर करते हैं बच्चों, इन दोनों पार्ट को कंसिडर करते हैं, तो क्या फॉर्मूला रहेगा यहां पर, द फॉर्मूला विल बी माइनस के क्यू, एंड द इन दोनों को कंसिडर करें तो एक चार्ज हमारा नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा, तो इट विल बी माइनस क्यू, मीन्स हमारा बी वाला चार्ज माइनस क्यू है, सॉरी के इंटू बी पर चार्ज किया माइनस क्यू, सी पर कितना है पॉजिटिव क्यू, और डिस्टेंस कितनी है डी डिस्टेंस है। फिर उसके बाद में हम कंसिडर करते हैं नेक्स्ट मीन सी वाला पेयर। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी रहेगी आप लोगों की, इट विल बी द अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स ऑफ डी, क्यों, क्योंकि डायगोनल है और डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, रूट टू टाइम्स ऑफ डी रहता है। तो यहां पर क्या रहेगा, के इंटू फर्स्ट चार्ज दैट इज क्यू, एंड द सेकेंड चार्ज कौन सा है, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव क्यू,
तो दोनों पॉजिटिव है तो डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। अब इसको देखो आगे सोल्व करते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी इट विल बी रूट टू टू टाइम्स ऑफ डी डिवाइड बाई डी एंड प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट टू टाइम्स ऑफ डी। तो ये आ गया बच्चों हमारे लिए किसकी वैल्यू, ये आ गई हमारे पास वर्क डन एट द सी के लिए वैल्यू आ गई हमारे पास निकल गए, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अब हम जब फोर्थ पार्टिकल को लेकर आते हैं एट द पॉइंट डी पर, तो देखो किस तरीके से काम करना है हमने कि डी को डी पर चार्ज पार्टिकल को लेकर आना है एंड इट विल बी नेगेटिव क्यू चार्ज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो जब मैं नेगेटिव क्यू चार्ज में यहां पर पुट करता हूं इट विल बी माइनस क्यू, तो देखो किस तरीके से वन टू थ्री ये तीनों ही चार्ज इसको रिपेल करेंगे अट्रैक्ट करेंगे वन बाई वन, तो उन तीनों ही इन तीनों की वजह से जो भी फोर्स रहेगा चाहे वो अट्रैक्टिव टाइप हो चाहे वो रिपल्सिव टाइप हो वो हमें कंसिडर करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से रहेगा W एट द डी, मतलब कि वर्क डन फॉर द डी के लिए, तो इट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस किस पॉइंट के बीच में बच्चों, पहले ए और डी के लिए कंसिडर कर लेते हैं डी और ए के लिए, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच की, सपोज करो डी और बी के लिए कंसिडर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम थर्ड डी और सी के लिए कंसिडर कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन डी एंड सी, ठीक है। ये तीनों चीजें हमें यहां पर पुट करनी है उसके बाद में सोल्व करना है। तो देखो जो हम डीए वाला पेयर लेके चलेंगे ये वाला पेयर, तो डिस्टेंस कितनी रहेगी बच्चों आपकी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है डी डिस्टेंस है, तो यहां पर क्या लिखेंगे एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो सीधा मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां से माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। ये पता माइनस क्यों है क्योंकि एक पॉजिटिव था तो दूसरा नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्यू स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद में यहां पर क्या रहेगा बच्चों आपका मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन डी और बी, तो डी और बी के लिए मीन्स वाली डिस्टेंस काम आएगी और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी रूट टू टाइम्स ऑफ डी, और अगेन ये नेगेटिव है तो क्या बनेगा बच्चों दोनों मीन्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स रिपल्सन बनेगा, तो इसमें से नेट साइन क्या रहेगा मीन्स पॉजिटिव साइन यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसको के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट टू टाइम्स ऑफ डी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना है बच्चों इन दोनों का पेयर लेना है सी और डी का, तो सी और डी के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस भी कितनी है आपकी दैट इज ऑल्सो द स्मॉल डी, तो क्या रहेगा एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या आएगा माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, ये फॉर्मूला निकल कर आएगा। अब देखो फाइनली इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो कितना रहेगा दिस इज द सेम दीज आर द सेम टर्म्स, ये दोनों सेम टर्म्स है तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं इट विल बी माइनस टू टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एंड प्लस दिस टर्म, तो इट विल बी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट टू टाइम्स ऑफ डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया वर्क डन एट द डी के लिए, मीन्स वर्क डन कितना करना पड़ेगा डी पॉइंट पर चार्ज को लाने के लिए। अब हमें फाइनली क्या करना है बच्चों डब्ल्यू नेट निकालना है, तो डब्ल्यू नेट निकालने के लिए ए पर जितना वर्क डन करना पड़ा वो, बी पर करना पड़ा वो, सी के लिए कितना करना पड़ा वो और डी के लिए कितना करना पड़ा, उन सभी को हमने सिंपली क्या कर देना है एल्जेब्रिकली एड कर देना, एल्जेब्रिकली मीन जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव साइन के साथ में जो नेगेटिव उसको नेगेटिव साइन के साथ में। तो देखो हम किस किस इक्वेशन को एड करेंगे, फर्स्ट इस इक्वेशन को, सेकंड इसको, थर्ड इसको और फोर्थ इसको, इन चार इक्वेशंस को हमें ऐड करना है। तो देखो ऐड करने का तरीका क्या है, जो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी वाले टर्म्स है आप पहले उन सबको देख लीजिए, तो यहां पर तो जीरो, तो यहां से फर्क नहीं पड़ेगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी वाला एक टर्म ये रहा यहां पर, एक टर्म यहां पर है और दो टर्म यहां पर है, सारे ही नेगेटिवली है तो सबको मीन्स नेगेटिवली मीन्स होने का मतलब सारे एड होंगे, तो इट विल बिकम दैट विल बी माइनस फोर टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एंड उसके बाद में प्लस, अब देखो अब रूट वाले टर्म्स उठा लेते हैं, यहां पर रूट वाले टर्म नहीं, यहां पर नहीं है, यहां पर है तो इट विल बी, और यहां पर है तो कितना रहेगा इट विल बी टू टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट टू, ठीक है। अब इस रूट टू से काट दो तो कितना आ गया यहां पर रूट टू आ गया इधर, ठीक है, या फिर रैशनलाइज आप कर सकते हैं, और दोनों में से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं हम लोग, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी कॉमन लिया जा सकता है, और यहां पर क्या बचेगा दैट इज माइनस फोर एंड प्लस ऑफ रूट टू एंड इट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द प्रेजेंट क्वेश्चन। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा जो हमने निकाला था, मीन्स कितनी पोटेंशियल एनर्जी हमें यहां पर रिक्वायर्ड होगी इन सभी चार्ज पार्टिकल को इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर पुट करने के लिए। तो देखो ये जो हमारा टॉपिक था एंड पॉइंट चार्जेस के लिए ये क्या कहता है आप लोग इसको देख लीजिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एंड पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने क्या करना होता है सिंपली टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्ज, जो विभिन्न चार्जेस हैं उन सभी को उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पर लाने के लिए, मतलब क्या कह रहा है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट चार्जेस हैं उन डिफरेंट चार्जेस को
इन्फिनिटी से उठाकर उनकी रेस्पेक्टिव पोजिशन तक लाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को जब टोटली ऐड करते हैं तो क्या निकल कर आता है, पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी। तो ये क्या निकल कर आई है हमारे पास में, इस स्क्वायर की नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आई है। तो दिस द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्क्वायर सिस्टम। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर आज हमने अपना पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कवर करा है और साथ में इसके ऊपर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल था वो भी हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर हम लोग अपना पोटेंशियल करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड जो भी एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल होगा वो न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा एंड कुछ और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वेट कीजिए मेरे सेकंड लेक्चर आने का, और जाने से पहले आप लोग ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर 2 के अंदर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।